हाय एवरीवन, तो पिला माने देखंतु 2023 मसिया रे एसबीआई तरफ अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तरफ रु बहुत गुडीए वैकेंसी आसी सारी छि। हमें डिटेल्स रे आज रो वीडियो रे आलोचना करबा जे केऊ पदवी रे केतोटी नियुक्ति आसी छि, ता सहित एथि पई एलिजिबिलिटी कोन रहिबो, सिलेक्शन प्रोसेस कोन रहिबो, सैलरी स्ट्रक्चर कोन रहिबो, डिटेल्स रे बुझिबा तो निहाति भाबे इम्पोर्टेंट रहिबो। वीडियो टिकु शेष पर्यंत देखि नियंतु जहा फल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पाई परिबे। एवं ए वीडियो टि केवल जो माने ग्रेजुएशन कंप्लीट करिसेंती, प्लस 3 कंप्लीट करिसेंती सेमानक पई, जदि आपण माने से जिनस करि नहंती देन वीडियो को स्किप करिके जाई परिबे। तो पिला माने देखंतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तरफ रु आपनकर जो रिक्वायरमेंट आसी छि, रिक्वायरमेंट कोन पई आसी छि ना जूनियर एसोसिएट तरफ रु आपनकर कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल पई आपन रिक्वायरमेंट आसी छि एडवर्टाइजमेंट। देन आपनकर लास्ट डेट रही छि 7/12/2023 पर्यंत आपन माने आवेदन करि पारिबे। एथिरे आपनकर टोटल ऑल इंडिया वैकेंसी रही छि, आपन देखि पारथबे रेगुलर वैकेंसी रही छि, बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग कोन ना एटा पूर्व वर्षर वैकेंसी फिल अप हेई पारि नथला सेगुडा कथि रही छि, एवं रेगुलर एई वर्ष एगुड़ाक क्रिएट होमें डिटेल्स बुझा देन ताको आम प्रथम देखि ना ओडापी के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 क
टोटल रही 72 वैकेंसी रही एवं बैकलॉग जदि कहिबा पूर्वरु थिला आपनकर देखंतु जीरो रहितला पूर्वरु किछि भी वैकेंसी आपनकर ओडिसा पई रही नथिला। देन आमे पळे आसीबा नेक्स्ट जोटा कि रहिछि आपनकर इम्पोर्टेंट नोट्स विषय रे देखिबा वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर ओबीसी कैटेगरी आर अवेलेबल टू ओबीसी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉन क्रीम लेयर। जदि आपनकर इनकम 7 लाख रु कम रहुचि देन आपण ओबीसी कैटेगरी रे एलिजिबल हेई पारिबे। ईडब्ल्यूएस माई मध्ये आपनकर एज रिलैक्सेशन रहिछि ए सब जिनिस आमे देखिबा एज क्राइटेरिया को जदि आमे पळे आसीबा सेठी आमे देखिया पई पाइबा। देखंतु एज लिमिट आपनकर रहिछि 1/4/2023 हिसाब रे काउंट हबो ए डेट को मेंशन करिनेबे। देन आपनकर एससी एसटी पई 5 वर्ष रिलैक्सेशन रहिछि एटा मोस्टली देखंतु आपनकर 20 रु 28 वर्ष कैंडिडेट माने इलिजिबल रहिबे। तापर मध्य आपनको एज रिलैक्सेशन दिया होची जोटा कि एससी एसटी पई 5 वर्ष ओबीसी पई 3 वर्ष पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस पई 10 इयर रहिबो देन एससी एसटी को पई 15 इयर रहिबो एवं पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट मानको पई 13 वर्षर जोटा कि आपनकर एज रिलैक्सेशन रही अछि। देन आपनकर नेक्स्ट रहिछि एसेंशियल क्वालिफिकेशन कथा जदि कहिबा ऑलरेडी मु कहि सारिछि जो माने ग्रेजुएशन करिसेंदी जो मैंने प्लस 3 पास करोसी भी यूनिवर्सीटी आप करूँ किसी भी फिल्ड में करूँ देन एपाई आपण मैंने इलिजिबल हो पारे एवं आपणकर रिजल्ट जोटा कि रही 31/12/2023 भितर पब्लीश होता दरकार यहाँ मोस्टली इम्पोर्टाट रहा। देन नेक्स्ट आम देखा आउ कौन रही आपण जहाँ भी इम्पोर्टाट से जिनस आम देखा हाँ देखंतु आपणकर सिलेबस कथा जदि कहिबा सिलेक्शन प्रोसीजर कथा आम एठी प्रथमे देखि नबा द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जोटा कि प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम रहिबो एंड द टेस्ट स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज अर्थात आपणकर जो लैंग्वेज धरि दियंतु आपण ओडिसा रो कैंडिडेट देन ओडिया लैंग्वेज आपणकर इंग्लिश रहिबो आपण चाहिले चूज करि परिबे अदर लैंग्वेज मध्ये रही थाय ऑनलाइन टेस्ट रहिबो आपणकर दुटा एग्जाम रहिबो देखंतु प्रिलिमिनरी रहिबो देन आपणकर मेन एग्जाम रहिबो प्रिलिमिनरी ता सहित मेन रहिबो देन आपणकर इंटरव्यू रहिबो ये तीनटा जिनस आपणकर स्टेज रहिबो। देखंतु प्रिलिमिनरी कथा जदि कहिबा 100 मार्क रहिबो से टेस्ट पई आपणकर इंग्लिश रहिबो 30 क्वेश्चन 30 मार्क रहिबो न्यूमेरिकल एबिलिटी रहिबो 35 क्वेश्चन 35 मार्क रहिबो रीजनिंग एबिलिटी रहिबो 35 क्वेश्चन 35 मार्क रहिबो। तो देखंतु ए हम ग्रुप रे बहुत सारा कैंडिडेट अछंती जो माने कि प्लस 3 रो पिला माने सेमानको सजेसन देबी जो माने बैंक रे जॉब करिया पाई चाहुचंती सेमाने वर्तमान थारु रीजनिंग देन आमर न्यूमेरिक एबिलिटी ए सब विषय फोकस करंतु काहेकिना आपणकर बैंकिंग जॉब कोन हेथाय पर इयर आसथाय प्रति वर्ष आसीथाय जोटा कि आपणक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहिबो। देन आपणकर देखंतु 1/4 हिसाब रे नेगेटिव मार्किंग रहिछि मध्ये चारिटा भूल रे आपणक गोटे मार्क को डेडिकेशन करा जइबो। देन मेन एग्जाम कथा जदि कहिबा मेन एग्जाम आपणकर सिलेबस रहिछि जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस रहिछि 50 क्वेश्चन 50 मार्क रहिबो 35 मिनिट ड्यूरेशन रहिबो बहुत कम समय आपणक प्रोवाइड करायौछि। जनरल इंग्लिश रहिछि 40 क्वेश्चन 40 मार्क रहिबो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अर्थात मैथमेटिक्स आपणकर 50 क्वेश्चन 50 मार्क रहिबो एवं रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन जोटा कि 60 मार्क रहिबो। तो देखंतु मने रखंतु एटा
जितेबाला बैंकिंग जॉब पे आपण प्रिपरेशन होउछंती रीजनिंग हला आपणकर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहउछे। देन देखंतु आपण अलग किछि देखिबा ठी आपणकर जोटि कि लैंग्वेज विषय एठी दिया जाइछि आपण माने को हिसाब रे अप्लाई करि परिबे। ओडिसा रो कैंडिडेट आपण माने देखंतु तीनटी लैंग्वेज रहिछि इंग्लिश हिंदी ओडिया ए तीनटी आपण माने एलिजिबल रहउछंती एग्जाम दबा पई आपण किछि भी चूज करि परिबे। देन आपणकर कॉल लेटर ऑफ एग्जाम ये सब जिनस जितेबाला अपडेट आसीजी आम आपको प्रोवाइड करदेबू। जदि आप ग्रुप एपर्यंत जॉइन होना जॉइन हो पारे से ग्रुप में आम डेली जॉब अपडेट इंपोर्टेंट पीडीएफ इंपोर्टेंट लिंक से सब शेयर करूँ तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिए। देन देखो नेक्स्ट रही एप्लीकेशन फी के रही फी आपर रही एससी एसटी पीडब्ल्यूडी किंबा ईएस जोटा कि आपर डीईएसएम जो कैटेगोरी जब आसे आपको टाकटे पे करने पड़े ना बट जदि आप जनरल ओबीसी किंबा ईडब्ल्यूएस ये तीनटी कैटेगोरी जब आसन आपको 750 टाँचा पे करने पड़ो। आपल मध्यम आप्लाय करें तर लास्ट डेट अलरेडी कही सारी 7/12/2023 पर्यंत रही जदि कौन कैंडिडेट एलिजिबल रोचे निहाती भाव आवेदन करनी कहीं आपण हाँ आ गोटे कथा देखी ना आपर क्यों जगह एग्जाम रखु एग्जाम कथा जी कह आम मोस्टली कनसीडर करवा ओडिशा को ओडिशा जेहेतु आपंकर रोचे आमर डिस्ट्रिक्ट सरी आम स्टेट देन आपर ओडिशार बालेश्वर ब्रह्मपुर भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुर यही जगह आपंकर एग्जाम को कंडक्ट करा जीवो। देन आ किसी भी सेमती इंपोर्टेंट अपडेट ना जदि एलिजिबल होती आप्लाय करें तार लास्ट डेट रही 7/12/2023 पर्यंत आर पीडीएफ चाहूँ आम टेलीग्राम चैनल किंवा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जॉइन हो जाए मुझे सेयार करदेवी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।